भारतीय लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमकार सिंह के नेतृत्व में दलित परिवार का पुलिस द्वारा उत्पीड़न किए जाने के संबंध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्य सचिव लखनऊ को भेजा। ज्ञापन में थाना मंझौला पुलिस पर दलित परिवार के साथ उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है। अधिक जानकारी देते हुए भारतीय लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमकार सिंह ने बताया कि क्या नाम आपका? ओमकार सिंह एडवोकेट। किस मामले को आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? देखिए, लाकड़ी फाजलपुर रवि वाटिका में एक दलित परिवार कई पीढ़ियों से रहता चला आ रहा है और उस जहां रह रहा है उसको लेकर, उस संपत्ति को लेकर मुकदमे चल रहे हैं। बिना किसी कोर्ट की अनुमति की दबंगों ने इनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और टीन सेट डलवा लिया। उसको इन्होंने हटाने का प्रयास किया तो इनके साथ बदतमीजी की, महिलाओं के साथ बदतमीजी की और दरोगा अमित कुमार ने इस परिवार के दो लड़कों को थाना मझोला में रोक लिया और 7-8 की रात को उस दरोगा और उसके दो सिपाहियों ने इन दोनों लड़कों को मारा पीटा और फूक चटवाया पानी में। तो इसके खिलाफ हम जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं, हम चाहते हैं उस दरोगा के खिलाफ कार्रवाई हो। क्या नाम दरोगा? अमित कुमार। क्या चाहते हैं फिर आप? हम चाहते हैं दरोगा के खिलाफ कार्रवाई हो। उसने थाने में जबरदस्ती इनसे थूक चटवाया है, जातीय भेदभाव करता है, समझे, और जाति सूचक शब्दों से इन्हें अपमानित किया गया है।